कुर्ती सेट स्टार्टिंग रुपीज 180 रक्षाबंधन स्पेशल। हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इट सीतल। सो आज हम दिखाने वाले मीशो से 10 ऐसे कुर्ती सेट जो स्टार्टिंग प्राइस है 180 रुपीज एंड बहुत ज्यादा अमेजिंग सेट्स होने वाले हैं। सो बिना विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट इट। एंड अभी आप लोगों ने देखा होगा कि रक्षाबंधन आने वाला है, अगस्त में रक्षाबंधन है। इसके अलावा है ना फेस्टिवल सीजन आ जाएंगे, उसके बाद वेडिंग सीजन आ जाएगा, तो उसमें ना हमें एथनिक वियर की रिक्वायरमेंट तो होती है। तो आपको अगर अफोर्डेबल प्राइस में एथनिक वियर मिलेगा तो उससे बेटर क्या हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट आर्टिकल से। तो फर्स्ट है ये वाला। ये ऑलरेडी मैंने खोल के चेक कर लिए थे कि डिफेक्टिव तो नहीं आया है, तो थोड़ा बहुत तो डिफेक्टिव आया है। तो इसके साथ ना कुर्ती एंड प्लाजो दोनों आए हैं। तो ये कुर्ती है बहुत अच्छा पिंक कलर है, काफी प्यारा सा। एंड इसमें ना थोड़ा सा इसका यहाँ पे ना ये देखिए यहाँ से इसकी बटन गायब है, बाकी इसके अंदर कोई डिफेक्ट नहीं है और बहुत ज्यादा प्यारा सेट है। आप लोग देख पा रहे हो ऑलरेडी, तो मैं इसे आपको वियर करके भी दिखाती हूँ। और इसके साथ आया है ये वाइट कलर का प्लाजो जो ये है। एंड ये ना थोड़ा कॉटन रेयन टाइप कपड़े में एंड काफी अमेजिंग है। मेरे को ना दोनों बहुत अच्छे लगे। इसकी प्राइस जो मुझे पड़ी थी 303 रुपीज पड़ी थी, 300 कहा जाए तो 150 150 ईच पड़ गया है। 303 रुपये में और क्या ही आता है आजकल, कुछ भी नहीं आता। तो ये दोनों सिर्फ 303 रुपीज में पड़ गई है, मेरे को तो बहुत सही लगी डील। एंड मैंने ना सारी डिटेल इसमें लिख दी है एंड साइड में आप लोग देख पा रहे हो कि कैसा लग रहा है ये मेरे ऊपर, और काफी अच्छा लग रहा है मेरे को तो पर्सनली। तो इसका जो नाम था वो लुक अलाइक रायन गोल्ड प्रिंट जयपुरी स्लीव लेस कुर्ता प्लाजो, इतना बड़ा तो इसका नाम है। एंड इसका जो मेरे को प्राइस पड़ा है वो 303 रुपीज पड़ा है, 303। एंड कोड मैं यहाँ पे लगा दूंगी, आप लोग चेक कर लेना, स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो। फिर कोड वहां पर डालोगे ना सर्च में तो कुर्ता अपने आप आ जाएगा। मेरे को ना फैब्रिक अच्छा लगा है, पैटर्न जयपुरी पैटर्न है, काफी अच्छा है एंड प्लेन प्लाजो है, तो मेरे को तो मस्त लगा है। आप बाकी आप लुक देख सकते हो। सेकेंड है हमारा ये वाला कुर्ता जो मैंने ऑलरेडी वियर कर रखा है। तो इसकी जो प्राइस है ना 200 रुपीज है, जस्ट 200 रुपीज, 200 रुपए में ये पूरा कुर्ता आ गया। एंड इसके साथ कुछ नहीं आया, प्लाजो वगैरह कुछ नहीं है, इसे कुर्ती कुर्ती है। एंड इसका जो नाम है ना इसमें जो प्रिंट है उसके अकॉर्डिंग ही दे रखा है, ये झुमकी झुमकी टाइप का है। तो इसका नाम है झुमकी झुमका प्रिंट कुर्ता। और इसका जो ये 5 कलर में अवेलेबल है, डिफरेंट डिफरेंट कलर है। ये नहीं आपको ब्लू लेना, एक पर्पल कलर काफी अच्छा लग रहा था लेकिन मैंने पर्पल में कोई और सा कुर्ता मंगा लिया तो मैंने सोचा ये नहीं लेती हूँ। तो ये पर्पल में भी था, ब्लू में भी था, येलो में भी था, आप ना अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। पिंक में भी था, 5 कलर अवेलेबल है डिफरेंट डिफरेंट। एंड प्राइस जो है वो 200 रुपए का है और मेरा जो साइज है वो मीडियम है। एंड कोड मैं आप लोगों को यहाँ दे दूंगी और आप लोग बताइए कैसा लगता है। तो ये है वाइन कलर का, लिटिल बिट पर्पल वाइन टाइप कलर का है। एंड ये मेरे को पड़ा था 183 रुपीज में जस्ट। तो ये सिर्फ कुर्ता कुर्ता है। एंड फिर मैं बता देती हूँ इसको क्या है। इसका ना कपड़ा इतना ज्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, तो मेरे को तो अच्छा लगा है। ये मीडियम साइज में होगा एंड फिर लुक एट दिस, काफी अच्छा है। तो इस प्रिंट को क्या बोलते हैं वो मेरे को पता नहीं है लेकिन मेरे को ना काफी सही लगा। एंड ये कॉलेज जाने के लिए, नॉर्मली घर पे पहनने के लिए, या आपने अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। उसके साथ ना व्हाइट प्लाजो भी चला जाएगा, व्हाइट या इस कलर का जो प्लाजो होता है थोड़ा स्किन कलर का वो भी चल जाएगा, उसके अकॉर्डिंग भी पहन सकते हो। और कपड़ा मेरे को काफी अच्छा लग रहा है, काफी ज्यादा सॉफ्ट कपड़ा है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है,
इसके बारे में बता देती हूँ, इसका जो नाम था उसमें स्टाइलिश वुमेन क्रीप वाइन कलर एथनिक मोटिव प्रिंटेड स्ट्रेट कुर्ता। तो फैब्रिक क्रीप फैब्रिक है, स्लीव इसकी थर्ड क्वार्टर जो स्लीव होती है यहाँ तक की वो है, साइज मीडियम है, मैंने अपने साइज का मंगाया है, वो आप लोग अपने में ये लार्ज एक्सेल सब में अवेलेबल है, सो डोंट वरी। सो पैटर्न है इसका प्रिंटेड है और प्राइस 183 रुपीज है जस्ट, और कोड मैं यहाँ पे आपको दे दूंगी, आप लोग वो भी चेकआउट कर सकते हो, डायरेक्ट कोड डाल के सर्च हो जाता है, बाकी लिंक तो मैंने सबका डिस्क्रिप्शन में दिया है। सो अब मैं रिवील करती हूँ उसका, ये मेरे पे कैसा लग रहा है, चलो। सो नेक्स्ट है शॉर्ट कुर्ती, लाइक जींस के ऊपर पहनने के लिए, या फिर आप लोग ऐसे कॉलेज वगैरह जाते हो, स्कूल जाते हो, या नॉर्मली ऐसी चिकनकारी टाइप में, काफी अमेजिंग कुर्ती है, मेरे को बहुत पसंद है वो, एंड अगर दिखाती हूँ मैं इसको, ब्लैक कलर की है तो ब्लैक कलर तो सबके साथ जाता है, लाइक लुक एट दिस, इसमें ना चिकनकारी का काम हुआ हुआ है ये वाला, तो इसकी स्लीव्स भी यहाँ पे भी, तो ये काफी मेरे को ना काफी सही लगी, और इस कुर्ती ये ना यहाँ से यहाँ तक तो इसमें लाइक यहाँ तक तो इसके अंदर अस्तर मिल जाएगा, लेकिन उसके नीचे ना ये जॉर्जेट का कपड़ा है तो वो पूरा प्लेन प्लेन रहता है, काफी अच्छा फॉल आता है बॉडी पे, मेरे को ना काफी मस्त लगता है ये वाला। सो मैं इसका पूरा डिटेल आपको बता देती हूँ, तो इस कुर्ती का नाम था ऑर्बिट हाउस प्रेजेंट वुमेन स्टाइलिश न्यू एम्ब्रॉयडरी टॉप। हाँ टॉप टाइप की कुर्ती है क्योंकि जींस के ऊपर पहनना होता है, तो फैब्रिक जॉर्जेट है, थर्ड क्वार्टर स्लीव्स हैं एंड चिकनकारी का वर्क करा गया है, कोड मैं यहाँ पे दे दूंगी, और इसमें ना 5 to 6 कलर अवेलेबल है, लाइक मैंने ब्लैक लिया था क्योंकि ब्लैक सबके साथ चला जाता है, और इसके अलावा रेड व्हाइट मरून सारे 5 से 6 कलर, एंड इसका जो प्राइस मेरे को पड़ा था 321 पड़ा था, लेकिन मैं ट्राई करूंगी कि शॉर्ट टू हाई करके आप लोगों को लिंक प्रोवाइड करूं, क्योंकि मेरे को बाद में मैंने देखा था कम प्राइस में भी अवेलेबल है ये वाली कुर्ती, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को दे दूंगी। और ये दुपट्टा है, कुर्ता सेट है, चलो मैं दिखाती हूँ, एंड स्टार्ट करती हूँ मैं कुर्ती से, तो ये येलो कलर का कुर्ती जिसका ये कुर्ती है पूरी, एंड इसके साथ ट्राउजर आया है एंड दुपट्टा आया है, काफी मेरे को सही लगा, लेकिन ये है ट्राउजर इसका, लाइक इसके ना नीचे ऐसी डिजाइन है, ट्राउजर है, और मैं यहाँ पे ना लुक रिवील कर दूंगी, आप वो लोग वो भी देख लेना, और इसमें ना मेरे को ना सबसे बेकार चीज यही लगी कि इसका जो दुपट्टा मेरे को लगा था काफी बड़ा आएगा, लेकिन इसका दुपट्टा ना काफी छोटा सा, लाइक स्टॉल टाइप दुपट्टा है, ये इसकी ऐसे लेंथ है, लुक एट दिस, सिर्फ इतने, तो मेरे को ये नहीं अच्छा लगा कि स्टॉल टाइप दुपट्टा है, थोड़ा बड़ा होना चाहिए, मतलब एक इसका जो प्राइस था आई थिंक 489 या 491 था, पर दुपट्टे के अलावा सब कुछ ठीक है। वाला आप लोग फोटो देख लो पहले, मैंने इसको देख के लिया था कि यार कितना अमेजिंग निकलेगा, तो निकला तो अमेजिंग है, गलती मेरी भी है, मैंने ना पूरा पढ़ा नहीं उसको, एंड चलो तो पहले दिखाती हूँ क्या है, तो इसके अंदर दुपट्टा एंड जो होता है फ्रॉक सूट टाइप वो है लुक,
तो ये इसका फ्रॉक सूट है एंड ये है दुपट्टा। ये रहा दुपट्टा, वो स्टॉल टाइप ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है। तो इसमें ना सबसे बेकार चीज ये है, ये धागे टाइप निकल रहे हैं, देख रहे हो ये। तो अब मैं इसका पूरा बताती हूँ डिटेल। तो डिटेल में ना इसका जो नाम था वो नाम था स्टाइलिश फैंसी फ्लॉक्स जॉर्जेट प्रिंटेड एथेनिक गाउन विद दुपट्टा। तो मेरे को लगा उसके नीचे ना ट्राउजर टाइप का भी कुछ आएगा, मतलब पूरा आएगा, तो ऐसा नहीं हुआ, दुपट्टा ही आया बस। एंड स्लीव थर्ड क्वार्टर स्लीव्स है, और इसका प्राइस ना थोड़ा सभी में सबसे ज्यादा है, 524 है, लेकिन मेरे को लगता है कि वर्थ इट है क्योंकि तो काफी अच्छा लग रहा है मेरे को तो। एंड कोड मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूंगी मैं। सो ये जॉर्जेट का कपड़ा है, एंड इसका जो गला वाला नेक वाला एरिया है वो गोल वाला है, एंड इसके बैक में ना ऐसी डोरी टाइप दिया हुआ है। तो 526 में, तो थोड़ा सा प्राइजी भी है, मतलब मैं कंफ्यूज हो रही हूँ है कि नहीं। और ये इसका दुपट्टा है, लाइक ये ना वीडियोस वगैरह में लाइक कितना मस्त लग रहा है, ऐसा लग रहा है क्या मस्त चीज है। तो इसका मैं लुक रिवील करती हूँ, स्टाइल करके फिर दिखाती हूँ आपको मेरे पे कैसा। देखा था और निकला भी ऐसे ही है, लेकिन बहुत ज्यादा हाइट छोटी निकली है, मेरे को ना बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि इसे तो मैं रिटर्न करने आ रही हूँ। तो ये है पर्पल कलर में, थोड़ा तो ये ऐसा है, अगर मेरे को लग रहा है इन्होंने ना मुझे मीडियम की जगह स्मॉल मीडियम ही दिया है, लेकिन छोटा है। डिजाइन काफी अच्छा है, कपड़ा अच्छा है, लेकिन है ना थोड़ा मेरे को लार्ज में लेना चाहिए था। मेरे को लगा इनका मीडियम ना थोड़ा सा छोटा है, वैसे हाइट वाइज छोटा है क्योंकि इसमें तो बहुत ज्यादा लंबा दिख रहा है ऑलरेडी। तो एक बार देखते हैं। ये वाला कुर्ता है जो कि मुझे 180 रुपये का पड़ा है, 180 का। एंड इसको ना लहरिया प्रिंट बोलते हैं लाइन वाले को। तो ये ना काफी अच्छा कलर है, पिंक कलर में है, थोड़ा प्यारा सा। देखो इसका कपड़ा भी बहुत मोटा है, मतलब लाइक अच्छा वाला मोटा है, कॉटन है, अच्छा है। मेरे को तो ये बहुत सही लगा, लाइक ब्लू एंड ये मस्त, लुक एट दिस। तो मैंने ये मंगाया मीडियम साइज में, और इसकी डिटेल मैं अभी आपको बता देती हूँ। कॉटन लहरिया प्रिंट स्ट्रेट स्लीव लेस कुर्ती फॉर वुमेन्स एंड गर्ल, ये इसका नाम है। फैब्रिक है रियॉन एंड स्लीव लेस है, पैटर्न सॉलिड है और साइज मीडियम है। कोड मैं यहाँ पे लगा दूंगी, बाकी मेरे पे कैसा लग रहा है आप लोग देख लीजिए, स्टाइल करते हैं हम अपने स्टाइल में। अच्छी लगती है प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड कमेंट करिएगा। एंड आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं नेक्स्ट आपको क्या देखना है, लाइक मीशो से या अमेजन से या फ्लिपकार्ट से, कुछ भी, लाइक आप लोग को कोई ड्रेस लहंगे या कुछ भी देखना है वो मैं आप लोगों को लेके चेकआउट करके खुद वीडियो बना के आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगी। एंड प्लीज कमेंट करके बताइएगा किस टाइप की वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग जो बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग ही मैं बनाती हूँ। और ये मेरे पे कमेंट आया था कुर्ता सेट के लिए कि हमें ना राइट
रक्षाबंधन आ रहा है तो कुछ ऑप्शन दिखा दीजिए। तो ये इनकी वजह से मैंने कमेंट आप लोगों का कवर करा है। नेक्स्ट आप लोगों का कमेंट भी कवर होगा, प्लीज कमेंट करिए किस टाइप की वैरायटी आप देखना चाहते हो। एंड थैंक यू, टेक केयर। अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, कुछ नहीं जाता सब्सक्राइब करने में। एंड अभी फॉलो भी नहीं करा है इंस्टाग्राम पे, जाके फॉलो करिए क्योंकि बहुत अमेजिंग अमेजिंग मैं कलेक्शन डालती रहती हूँ, वहां पे भी बहुत अमेजिंग वीडियो आती है। और थैंक यू, बाय, टेक केयर, टाटा।